गणतंत्र दिवस पर राजेंद्र लाखड़ा मॉडल स्कूल ने छात्र छात्राओं शिक्षकों पूर्व सैनिक व समाज सेवी संस्था के साथ बख्तियारपुर वार्ड नंबर 5 निगम पार्षद जनता देवी ने तिरंगा झंडा फहरा गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर कमलेश तुसीर, मैनेजिंग डायरेक्टर रवि लाखड़ा, प्रधानाचार्य सुनील दत्त ने अतिथि पूर्व सैनिक व सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी महासचिव सदाराम गुप्ता, पूर्व शिक्षिका बिमला देवी गुप्ता, टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, पत्रकार राजेश पोदार, खुशी राम पहलवान सभी आए हुए अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत कर प्रतिक्षण बैठ कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल छात्र छात्राओं ने देशभक्ति रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आए हुए अतिथियों ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। राजेंद्र लाखड़ा मॉडल स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आता है। 26 साल के सफर में स्कूल से 12वीं पास कर गए बच्चे सरकारी नौकरियों में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है बख्तियारपुर राजेंद्र लाखड़ा मॉडल स्कूल। और आज हमारे साथ में है इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित निगम पार्षदा जनता देवी जी। आज गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, आज जानते हैं क्या कुछ आज यहाँ जो आए हैं स्कूल के अंदर किस तरह का कार्यक्रम लगा और किस तरह से आप देश के लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बधाई देंगे। मैं जनता देवी वार्ड नंबर 5 से निगम पार्षदा। आज यहाँ राजेंद्र लाखड़ा मॉडल स्कूल में मैं उपस्थित हुई हूँ। यहाँ पूजा मैडम ने और कमलेश मैडम ने, रवि लाखड़ा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मुझे आकर के यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी का प्रोग्राम यहाँ मनाया जा रहा है। मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है जी। जनता देवी जी, अगर बात की जाए लाखड़ा स्कूल की, जिस तरह से जो देख रहे हैं आप पे बच्चे, हालांकि बिल्डिंग उतनी वो नहीं है लेकिन बच्चों का जिस तरह से कार्यक्रम देखा गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या कितनी मेहनत की है टीचरों ने बच्चों ने? मेहनत की तो बात ये बताती हूँ मैं भाई साहब कि बिल्डिंग भले ही पुरानी हो लेकिन जो यहाँ की टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी प्रकार से, इतनी अच्छी तरह से जो इनको शिक्षा दी है, शिक्षित किया है इनको, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बिल्डिंग नहीं देखी जाती, बच्चों में संस्कार, उनकी पढ़ाई, उनका ज्ञान देखा जाता है। क्योंकि मैं यहाँ आई और मैंने बच्चों के प्रोग्राम यहाँ अटेंड किए, मैं कम से कम 1 घंटा से यहाँ बैठी हूँ, तो इनके हर प्रोग्राम में, जो इनका प्रोग्राम था, हर प्रोग्राम में कोई ना कोई मैसेज छिपा था। और बगैर मैसेज के यहाँ ऐसा प्रोग्राम होना तो असंभव है, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ की टीचरों ने, प्रिंसिपल ने कुछ दिमाग लगाया होगा कि हम जनता के द्वारा, जनता में एक मैसेज दें कि बच्चों में, जैसे अभी ये नृत्य किया लड़कियों ने, उसमें हमारे नृत्य में दिखाया गया उस गाने में कि पेट में जो गर्भ में लड़कियों की हत्या होती है उसको हम कैसे रोकें, समाज में ये एक संदेश छोड़ा गया है। और हरियाणा की जो इसमें वेशभूषा दिखाई गई, ये हरियाणा को प्रभावित करता है कि हमारे देश के अंदर कितनी, मतलब धर्म है, कितनी जातियां हैं और कितने पहनावे हैं, ये सभी इस चीज़ को संदेश जाता है। देखो यहाँ मराठा पहनावा पहन के भी बच्चियों ने डांस किया, वो मराठों के लिए उनको समर्पित है। और यहाँ हरियाणवी वेशभूषा में भी बच्चों ने डांस किया, उसका भी एक अलग ही ट्रेंड है कि यहाँ हर तरह की, हर राज्य की यहाँ झलकियाँ हमारे को इस प्रोग्राम में देखने को मिली। मतलब एक तरह का आपको गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो आपको जो है लाल किले के पास जाके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं पे देखने को मिल गई। वहाँ तो देखो हम जाएंगे इतनी दूर, सुबह सुबह भागेंगे और वहाँ भी देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन भी यही बच्चे हमारे, वहाँ भी हमारे यही बच्चे जाते हैं। तो जब हम इतनी दूर जाएंगे, हम पहले अपने गाँव में हमारी संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं बच्चे, जो इतनी मेहनत करके हम इतनी मेहनत करके जो सामने आए हैं इस कल्चर प्रोग्राम में, उन्होंने भाग लिया, कम से कम बच्चों का तो मनोबल बढ़ाना बनता है ना हमारा। ये कि बच्चों, यहाँ के बच्चों को छोड़ के हम वहाँ अंदर दिल्ली में जाएंगे, इससे अच्छा ये है कि हम अपने गाँव के क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं पहले उनको अटेंड करें और बच्चों को मनोबल बढ़ाएँ, बच्चों को प्रेरित करें कि इस तरह के प्रोग्राम में बच्चे भाग लेते रहें। और उनके टीचरों को भी मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जो प्रोग्राम वे करें, चाहे 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, कोई भी प्रोग्राम हो, एनुअल फंक्शन हो, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज ज़रूर वो दें बच्चों के थ्रू समाज में कि एक अच्छे सुधार हो सके, एक अच्छा सुधार हो सके समाज के अंदर और समाज जागरूक हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। आपका कहना है कि राजेंद्र लाखड़ा मॉडल स्कूल जो है
वो बिल्डिंगों पर पैसा नहीं खर्च करता बल्कि बच्चों का भविष्य बनाने में उस पर जो ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, राजेंद्र लाकड़ा मॉडल स्कूल है, ये किसी स्कूल से कम नहीं है। मैं तो इनके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे स्कूल। और इस स्कूल, ये स्कूल किसी से कम नहीं है, ये स्कूल आज से नहीं है, 26 साल इस स्कूल को हो गए हैं। लेकिन मैं निगम पार्षद बनने के बाद यहाँ पहली बार आई हूँ, और जिस तरह से मेरा यहाँ आना हुआ और जो मैंने यहाँ की प्रोग्रेस देखी बच्चों में और टीचरों ने जिस प्रकार इनका जो है तैयारी करवाई हुई है, उसको देख के मैं इन सभी को धन्यवाद करती हूँ। और आगे के लिए भी कहती हूँ कि सभी पढ़ाई पे ध्यान दें, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाएं और सभी को जागरूक करें और एकजुट और विकास के कार्य करें, देश राष्ट्र हित की बात करें स्कूलों में, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी विकास हो पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक बच्चों की नींव अच्छी नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं कि अगर बच्चे का भविष्य अगर गुरु सुधारे तो वो जाकर देश का नाम भी रोशन करता है और क्षेत्र का नाम भी रोशन करता है। और यहाँ पर इसी तरह की जो है चीज़ें देखने के लिए मिलती है। राजेंद्र लाकड़ा मेमोरियल स्कूल जो है, यहाँ इन बच्चों के लिए हमेशा अच्छे टीचर जो है, अनुभवी टीचर यहाँ रखते हैं, और उसके साथ साथ वो अनुभवी टीचर अपने सारे जीवन के जो अनुभव हैं वो इन बच्चों में बांटते भी हैं। और उसके साथ साथ उन बच्चों का जो भविष्य, जिस तरह से जनता देवी जी ने बताया कि मैं इस स्कूल के अंदर पहली बार आई हूँ, तो इसी तरह से पहली बार हमारा भी आना हुआ यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से इन बच्चों को जो देखा गया, तो लगता है कि देहात क्षेत्र के अंदर ऐसा स्कूल शायद ही कोई और हो, और ऐसे जो बच्चों को जिस तरह से मोटिव किया जा रहा है, ऐसे टीचर, अनुभवी टीचर शायद ही किसी स्कूल में हो। यही चीज़ें देखने के लिए मिलती है, और यही चीज़ें होती हैं कि जब तक गुरु अच्छा नहीं होता, शिष्य भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर गुरु भी अच्छे हैं और शिष्य भी अच्छे हैं। भले ही बिल्डिंग जैसी हो, बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गुरु तो लेकिन गुरु तो जो है झोपड़ियों में भी, क्योंकि गुरुकुल जो है हमेशा देखे होंगे आपने, हमारे गुरुकुल जो है जब भी आपने देखा होगा, कहीं पर भी आप जाएंगे तो गुरुकुल हमेशा जो है झोपड़ियों में चलते मिलेंगे। और जब उन झोपड़ियों के अंदर से तिनकों की छाँव में बैठकर वे बच्चे निकलते हैं, तो देश की रक्षा के लिए वो सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चों के अंदर, बिल्डिंग भी अच्छी है ये नहीं कह सकते, लेकिन राजेंद्र लाकड़ा मेमोरियल स्कूल ने बिल्डिंग पर ध्यान ना देकर बच्चों के भविष्य पर ध्यान दिया, ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज गणतंत्र दिवस पर हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। और साथ में मैडम है, प्रिंसिपल जी बात करेंगे। मैडम जी, मैं निगम पार्षद जनता देवी जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय आकर हमें दिया और बच्चों का हौसला वर्धन किया और काफ़ी बच्चों की तारीफ़ की। और ये भी जानती हैं कि हमारा अचानक प्रोग्राम बना और बहुत कम समय में हमारे शिक्षक जो हैं बहुत परिश्रमी, मेहनती, अपने टाइम के पंक्चुअल, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इनका स्वागत किया। हम आसपास के क्षेत्र से अन्य एक्टिविटी की तरफ कम ध्यान देकर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और फिर दोबारा बहन जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, वो आए हैं तो उनका धन्यवाद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निगम पार्षद हैं तो इस क्षेत्र का जो ध्यान कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उन्हें चुना है, क्योंकि उनसे पहले जनता देवी जी के जो ससुर जी थे वो बहुत ही अच्छे समाजसेवी, इस क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी कहलाए, और पहलवानों में नाम रहा उनका। मैं विनोद गुप्ता जी। आज ये कौन सी जगह है और क्या कुछ कार्यक्रम था आज? राजेंद्र लाकड़ा पब्लिक स्कूल। क्या कार्यक्रम था मैडम आज, और किस तरह का रहा कार्यक्रम? ये 20वां गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था, जो थोड़े ही समय में बहुत अच्छा प्रोग्राम बना दिया, इंतजाम बहुत बढ़िया था। इस स्कूल में जो बच्चा शिक्षा प्राप्त होकर गया वो कहीं ना कहीं सेट हुआ है, अच्छे पदों पर है, वो अच्छे पदों पर है। स्कूल शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। गवर्नमेंट